कुछ खास पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं इस टेबल के थ्रू। हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट, अगर कोई कंपाउंड गैस है तो उसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड गैसेस है, लेकिन कोई कोवलेंट कंपाउंड अगर उसमें आयंस बन जाते हैं हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर पर, तो आयनिक करेक्टर क्रिएट्स होते हैं। उन आयनिक करेक्टर की वजह से उनमें सॉलिड नेचर भी आ जाता है, यानी वो स्टेट भी चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट, तो ये हमारे लिए सॉलिडिफिकेशन हो गया, यानी कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। तो जब ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गए तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या चेंज होगा? हाँ, तो देखना है क्या हमारा हाइब्रिडाइजेशन किस फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। पहले कौन सा क्या हुआ करता था? sp3d, यानी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बोलो यस और नो। लेकिन ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन, यहां पर pcl4 बन गया, फास्फोरस अब क्या बन चुका है, एक तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, कार्बन बन चुका है, तो ये CCl4 जैसा हो गया। तो क्या आंसर है? sp3, बोलो यस और नो। यहां SF6 जैसा हो गया, क्योंकि फास्फोरस माइनस क्या हो गया, सल्फर, SF6 यानी sp3d3, या सुनो sp3d3 हो जाएगा पक्का, सॉरी d2, और ये sp3 हो जाएगा। यहां क्या होगा, sp3 और इसमें नो हाइब्रिडाइजेशन, एक सिंगल एटम में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। यहां कौन सा, NO2 में, ये नाइट्रोजन पे प्लस का मतलब कार्बन, CO2 यानी sp, और NO3 माइनस sp2, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। NO प्लस, दो डाई एटम के लिए नो हाइब्रिडाइजेशन में बोल सकता हूं, लेकिन अगर फिर भी कोई कह देता है कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो ट्रिपल बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, एक सिग्मा दो पाई, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन फिर भी पूछे तो आंसर sp या नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन बेटर ऑप्शन है, ठीक है। सेकेंड मोर करेक्ट sp, NO2 माइनस, तो आप अच्छे से जानते हो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ओ माइनस और ये डबल बॉन्ड ओ, एक लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा sp2। यहां पर xc यानी कि if, थोड़ा सा फर्क दिख रहा है कि मुझे क्या है, यहां पर 5 लगाना पड़ेगा, xcf5 प्लस, एक माइनस इधर जा चुका है, तो जीनोन के यानी if5 जैसा हो चुका है। आंसर क्या हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यस और नो, या नो हाइब्रिडाइजेशन। clo2 प्लस, क्लोरीन है, डबल बॉन्ड ओ ओ डबल बॉन्ड, ये एक तरह से हमारे लिए क्या हो जाएगा, चार वैलेंसी आ चुकी है, आपको क्या लग रहा है, और प्लस भी है, तो क्लोरीन प्लस, अभी भी हमारे पास क्या हो रहा है, एक लोन पेयर है, दो दो चार दो छह, छह इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या लग रहा है, ये SO2 जैसा नहीं लग रहेगा आपको, कौन सा होगा, बैंड शेप sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बोलो कुछ समझ में आया, बैंड शेप ही होगा। यहां ClO4 माइनस यानी जीनोन हो गया, आठ वैलेंसी, आठ के आठ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल, समझ में आ रहा है, हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, आ रही है बात समझ में। यहां देखिए, जबकि पहले क्या था, यहां पर, यहां पर पहले भी यहां जो था पहले sp3d था, N2O5 में अलग अलग निकालना पड़ रहा था, sp2 ही था, लेकिन दोनों पे NO2 अपने आप में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है। तो यहां हमारे लिए डबल बॉन्ड ओ और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, और फिर भी हमारे पास sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन था। जीनोन sp3d, छह तो हमारे पास आ ही गए, और एक लोन पेयर d3, समझ में आ रही है बात, याद है कैप्ड ऑक्टेटल हो गया, छह और एक लोन पेयर, सात हो गया हमारे पास, तो sp3 d3। यहां हमारे पास दोनों क्लोरीन पे अलग अलग था, दो दो चार दो छह और एक सात, तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन था हर एक क्लोरीन पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आंसर दे दिया, ClI3, ये टी शेप का है, और कौन सा था, sp3 d, दो लोन पेयर है इसमें टी शेप, और अब आई प्लस का मतलब हो गया, एक तरह से आई प्लस का मतलब क्या हो गया आपके पास, सल्फर, Cl2 हो गया, या SF2 हो गया, SF2 यानी sp3, और ये क्या हो जाएगा sp3 d2, चार और दो लोन पेयर आएंगे, समझ में आ रही है बात। तो कौन सा नहीं समझ में आया वो मेरे से पूछ लीजिए, फोर्थ वाले में, ये वाला, हाँ नहीं है, अब आप बताइए फोर्थ वाले को देख लीजिए आंसर, फोर्थ में तो N ट्रिपल बॉन्ड O और यहां पर प्लस ऑक्सीजन पे प्लस, ठीक है, अब बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन बताओगे आप,
एक लोन पेयर 10, तो आंसर क्या होगा? sp। लेकिन डाई एटॉमिक स्पीसीज लाइक Cl2 F2O2 में कहाँ हाइब्रिडाइजेशन बताता? हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए लग रहा है? कम से कम दो सिग्मा बॉन्ड हो, यहाँ तो एक ही है। नो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन। अरे ये बात समझ में, आवश्यकता होगी तो ही हाइब्रिडाइजेशन को लाएंगे हम। और बोलिए, और कौन सा ऐसा डाउट है जो आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? आ गया? तो ये मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए और सभी के हाइब्रिडाइजेशन आपको बता भी रखे हैं, तो ये निकालने में कैपेबल हैं आप सब में। यस और नो, शर्म मत करो, कुछ पूछना है पूछ लो। सारे आंसर आ गए आपके, बिल्कुल सही जा रहे हैं। NO2+, NO2+, तो दिख ही रहा है। नाइट्रोजन पे प्लस का मतलब क्या है? कार्बन। ये लो, लीनियर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा ना? क्यों नहीं होगा? दो सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं सेंटर एटम से। और बोलो, आ गया समझ में? हटा दूं मैं? कोई डिस्कशंस? आपको ये लिस्ट याद रखनी पड़ेगी, आपसे पूछा जा सकता है। पीसी, ध्यान से सुनना, पीसीएल आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायन ऑफ पीसीएल 5। अब पीसीएल 5 का एनायन कौन होगा? पीसीएल 6 माइनस, पीसीएल 6 माइनस। तो आप ही बता सकते हैं, पीसीएल 6 माइनस एग्जिस्ट बट पीबीआर 6 माइनस नॉट एक्सप्लेन। तब बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि फास्फोरस है। अगर फास्फोरस देखा जाए तो बहुत बड़ा एटम नहीं है, लेकिन क्लोरीन भी उसी ग्रुप का है, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है एक दूसरे के कंपेयर में। तो यहां पर सी एल सी एल सी एल सी एल और सी एल सी एल, ये माइनस आ गया। क्या स्टेरिक क्राउड इतना ज्यादा होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर ये फास्फोरस पे ब्रोमीन 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 और ये एक और ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ब्रोमीन बड़ा एटम है या छोटा एटम है? बहुत बड़ा एटम है। तो आप ही सोचिए, ब्रोमीन बहुत बड़ा एटम है तो रिपल्शन होगा, डिस्टॉर्शन होगा। बिल्कुल सही कहा, डिस्टॉर्शन होगा तो अनस्टेबल, मतलब दो बड़े एटम के बीच में रिपल्शन, रिपल्शन बिटवीन टू एटम, ठीक है? जबकि यहां पर इतना बड़ा नहीं है। काम चल गया आपका, चले तो रिपल्शन नहीं है, ज्यादा स्टेबल है। तो ये डिस्टॉर्शन अनस्टेबल है, रिपल्शन बिटवीन टू ब्रोमीन एटम, तो ये अनस्टेबल है और इसी कारण ये कंपाउंड नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए फास्फोरस जब अलग होता है PCl5, तो पता है क्या बनाता है? जॉइंट हो आयनिक में चेंज होता है, तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस बन जाता है। लेकिन जब बात आती है Br की, तो PBr4 प्लस और Br माइनस बनाता है। ये है रीजन, और यही आयोडीन के साथ भी रहेगा। पी ब्रोमीन है तो आयोडीन भी यही बनाएगा, PBr PI 4 प्लस प्लस I माइनस। तो आपको समझ में आ गया? ये हेडिंग डाल लीजिए, नया टॉपिक।